नमस्कार साथियों, कर्मण शिक्षोलॉजी के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित ग्रुप टू सब ग्रुप चार की जो भर्ती परीक्षा थी, जिसे हम पटवारी भर्ती परीक्षा के नाम से जानते हैं, उस पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे और इन आरोपों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन परीक्षाओं की भर्ती पर रोक लगा दी थी। साथ ही आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग भी बनाया था और ये जांच आयोग जो है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में ये जांच आयोग बनाया गया था। साथियों, जांच आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, उसके तहत जांच आयोग ने कहा था कि भोपाल से दूर कालियासर डैम के पास वाल्मी परिसर में इनका कार्यालय है, जहां पे 16 और 17 अगस्त के समय सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक शिकायतकर्ता जो भी पटवारी फर्जीवाड़े से संबंधित शिकायत करना चाहता है वो अपने साक्ष्य लेकर, दस्तावेज लेकर, आईडी प्रूफ लेकर मौजूद हो सकते हैं। दो डेट्स इन्होंने दी थी, 16 अगस्त की और 17 अगस्त की तारीख इन्होंने दी थी, 16 अगस्त और 17 अगस्त की तारीख जो 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 वाल्मी परिसर में जो मुख्यालय है जांच आयोग के लिए जो बनाया गया है वहां पर जाकर शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य दे सकते थे। पर साथियों, एक न्यूज में आई रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 500 से ज्यादा जो शिकायतें हुई थी उनमें से मात्र 5 ही लोग शायद इस आयोग की जो जांच चल रही है उसमें शिकायत करने पहुंचे हैं, दस्तावेज लेके पहुंचे हैं। मतलब 500 में से 5 ही लोग शिकायत करने पहुंचे हैं। उम्मीदवार जो हैं उनका कहना है, न्यूज के माध्यम से हमें पता चला है कि उम्मीदवारों का कहना है कि सरकारी जो गाड़ी है वो जांच आयोग को दी गई है, विद्यार्थियों के पास खुद की गाड़ी या डीजल पेट्रोल जलाने के पैसे नहीं है कि वो जाके आयोग के इतनी दूर जो आयोग बस बैठा हुआ है, जंगल में जाके आयोग बैठा हुआ है, वहां जाके शिकायती जो दस्तावेज है वो सौंपें, अपने गांव शहरों से पहुंच के वहां जाके सौंपें, ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि कुछ और भी बातें आई हैं उम्मीदवारों से सुनने को या उस पेपर में पढ़ने को कि उम्मीदवार का ये भी कहना है कि भोपाल जो है, भोपाल में एमपी नगर में कई सारी बिल्डिंगें खाली हैं, कई सारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग है जहां पे भी जांच आयोग बैठ सकता था, मगर ऐसा क्या जरूरी हुआ कि जांच आयोग को यहां ना बिठाते हुए, एमपी नगर में जगह ना देते हुए उसको कालियासर डैम के पास वाल्मी परिसर में दूर एक इलाके में जाके और इनको मुख्यालय दिया गया है, जगह दी गई है जहां पे ये आयोग बैठा हुआ है, जहां पे जाके हमें साक्ष्य देने पड़ रहे हैं या डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, अब चूंकि इस विद्यार्थियों का रवैया ऐसा है, उम्मीदवारों का रवैया ऐसा है, अभ्यर्थियों का रवैया ऐसा है, तो जांच आयोग से भी ये सुनने को मिला है उसी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जांच आयोग का ये मानना है कि चूंकि ऐसा रिस्पॉन्स अभ्यर्थियों की ओर से मिल रहा है, सही दस्तावेज शायद नहीं मिल पा रहे हैं या कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए शायद अब जांच आयोग जो है वो अलग अलग जिलों में या कुछ जिलों में जाकर ही जांच के लिए काम करने वाला है, जांच पर काम करने वाला है, यानी कि वहीं जाकर दूसरे जिलों में जाकर, जैसे खासकर भिंड, मुरैना या ग्वालियर की अगर बात करें, वहीं जाकर वहीं के जो अभ्यर्थियों के जो आरोप थे उन अभ्यर्थियों के आरोपों के साक्ष्य मांगने की तैयारी में जांच आयोग है। जी हाँ साथियों, जांच आयोग जो है अब भोपाल ना बुलाते हुए संभवतः ये जो जिले हैं जिन जिलों से ज्यादातर शिकायतें आ रही थी उन जिलों में जाकर ही वहां के अभ्यर्थियों से जांच के जो दस्तावेज है वो मांग सकता है। जी हाँ साथियों, तो ये है अभी की डिटेल, अभी की अपडेट। साथियों, बने रहिए हमारे साथ कर्मण शिक्षोलॉजी के हमारे यूट्यूब चैनल पे, जैसे ही आगे कोई न्यूज मिलती, कोई अपडेट मिलती है वैसे ही हम आपको सूचित जरूर करेंगे। हालांकि ये जो बात आई है इस बात पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।